अच्छा साहब, एक बार फिर आप लोग के बीच में मैं पूरे पार्टी के साथ एक दुखद भरी घटना को प्रस्तुत कर रही हूं। एक बात कहना चाहती हूं नारियों के बारे में। पहले तो बड़ा नारी का सम्मान होत रहल, लेकिन अब अपमान होत हो। पहले एक ही रावण एक ही कंस होते थे साहब, लेकिन आप हर गली चौराहा पे रावण और कंस दिखाई पड़त हो। द्रौपदी कचीर हर जगह हरण होत हो, कोनो कृष्ण भैया न लौकत हो जौन द्रौपदी बहिन का लाज बचा ले। कवि जी यहीं से भूमिका का भाव देत हो मास्टर भैया। क्या बात है, बतावे की जरूरत नहीं बा। ये घटना से देश शर्मसार हो, सब जानत हो सबके जुबा पे और सबके ऊपर गुस्सा सवार हो। आप लोग बुझ जाइबा। अरे वतन जल रहा है, चमन जल रहा है, माली कहां बेखबर सो रहा है, धरा रो रही है, गगन रो रहा है, सौ से लिपट कर कफन रो रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूट करके लाश की भी दरिंदे हैं होली जलाते, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किनारा से मोदी जी शोहरत कमाते। गजल का लाइन कवि जी लिखत हो मास्टर भैया बनाए। अरे अब मजा नहीं आता, लेकिन भाव कितनी सुंदर हो। रो रही बहन द्रौपदी, अरे रो रही बहन द्रौपदी, अब कहाँ मेरे भैया हो, उस समय में तो द्रौपदी का लाज कृष्ण भगवान बचा लेन, लेकिन ये द्रौपदी का लाज कोई आवाज न सुनलस। लाज का बचाई, आगे कहानी से शुरुआत होता हो भाव कैसे मिस्टर भैया। हमरे सरकार का यह नारा रहल, भारत आजाद होगा राम राज आएगा। लेकिन कैसा राम राज आयल भैया, आप लोग देखत हुआ पुलवामा कांड से लेकर के दिल्ली कांड, तमाम रोज ऐसा कांड होता जोन पत्रिका अखबार रंगल आवत हो। बतौले का जरूरत नहीं है, सब बुद्धिजीवी है। कह नाम है कैसे,
होगा आजाद भारत राम राज आएगा। चमन के फूल को कोई मसल न पाएगा। सब मिलके अमन चैन से जिंदगी बिताएंगे। नफरत मिटाकर प्यार की गंगा बहाएंगे। बेटी बचाओ मोदी जी प्रचार कर रहे। नारियों के ऊपर दूने अत्याचार बढ़ रहे। गौर करेंगे हमारी सरकार बार बार यही कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूं कि यह नौटंकी आप बंद करिए। आज फिर देश शर्मसार हुआ है, लेकिन आप यही सोचेंगे कि तुम लोग चिल्लाओ मोमबत्ती जलाओ और भूल जाओगे, लेकिन हम सख्त कानून नहीं बनाएंगे। यह ताजी घटना आप लोग के सामने हो हैदराबाद का। जो बेटी को आवाज सुने वाला कोई न मिलल, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जो पेशे से डॉक्टर थी, पशु डॉक्टर, आदमी का मरम तो सब बुझेला ये भैया, लेकिन पशु का दर्द सब नहीं बुझेला। कौन गलती कैले रहनी? गलती बस ये रहे कि उन लड़की रहली, नारी रहली, नारी पर ऐसा ऐसा जुल्म होता जा रहा है। साहब लोग बताओ ना, पुरुष प्रधान देश हो, ये पुरुष प्रधान देश में नारियों का लगत गुजर बसर नहीं होखे वाला हो। आगे भाव में कवि जी लिखत हुआ, जो ने समय डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अपने डिस्पेंसरी से वापस आती हैं और स्कूटी के पास में तो भैल का वो समय का भाव कवि जी दे। अरे 27 नवंबर दिन रहल बुधवार के हैदराबाद घटना घटल शर्मसार बा हैदराबाद में। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी लेके स्कूटरिया 5:30 बजे चलनी अपने डॉक्टरिया। ड्यूटी से घर अपनी डिस्पेंसरी को बंद करती हैं और घर की ओर रुक करती हैं। स्कूटी के पास आईनी तो स्कूटी का जब हालत देखली तो घबराए लगली। ड्यूटी से घर आ के भैली तैयार के हैदराबाद में। डॉक्टर साहिबा जे वही स्कूटी के लगे आती हैं, जब स्कूटी पंचर हो गई 9:30 बजे हो, कौन लड़की का दिल ना दहल जाइए भैया। ऐसे ही भेड़िया हर जगह घूमत हुए, दिल में डर हो अपने बहन को फोन करती हैं, बहनी स्कूटी हमार पंचर हो गई, कैसे आई रात हो, हमारी डर लगत हो। बहन समझाती है कि स्कूटी आप छोड़ दीजिए, कोई और साधन से चले आइए। तब तक आरिफ नाम का एक जवान जो भेड़िया
ताक लगा कर बैठा था, साहब आ गया मदद के लिए। ऐ मैडम क्या प्रॉब्लम है? अपन प्रॉब्लम बतौली कल, कोनो चिंता का बात नहीं है, हम आपके स्कूटी का आपके रिपेयर करवा दे थे। वो सब कमीना गौर करिएगा, चार मिला साहब, डॉक्टर साहिबा को ट्रक में बिठाते हैं, एक मिला स्कूटी को लेता है और चल देता है। धीरे धीरे ट्रक में, ट्रक का दूरी 20-25 किलोमीटर पे गई, सुनसान एरिया में ट्रक के रोकल, तो डॉक्टर साहिबा पूछ रही हैं कि भैया यहाँ तो कोनो दुकान नहीं खे, ये जही कैसा रोक देला। डांट करके बोलता है कमीना, चुप हो जाने तो जबान काट लूंगा। और वह रोक करके उतारते हैं और करते क्या है सब भाव आगे कवि जी लिखत हूं। ओहो अरे ये बीरा बाता दे कितना दूर पैरन में छाले पड़ रे गयो ये बीरा लेकिन पापी सब कैले का खियरे भैया ए भैया पपिया तार कसे उ तार प्रियंका के ले आइल न हो साजिश में कमीना सब जब कामयाब हो गई लं। कहते हैं कि अब क्या पछताए हो, जब चिड़िया चुग गई खेत होश तब आई जब सब खत्म हो चुकल है। सोचे लगना अपने में राय बनावे लगना कि आखिरकार अगर एक ऐसे ही छोड़ देवल जाए तो हमने फंस जाल जाई। सब साजिश बना के कैले का तघटई दबा के अधम अमले पापी सब आपस में साजिश बना करके नटई दबा करके वही जो दम घुट गई, जिस समय डॉक्टर साहिबा का साहब ट्रक में लाद करके
लेकर के जाते हैं फ्लाई ओवर के नीचे फेंक दलन। अधजली लाश जब नीचे पड़ल हो इतना गौर करिएगा, धरती माई का करेजा कांप उठल। एक बेटी का लाश एक माँ धरती माँ के छाती पर जब गिरल हो, कवि जी के लिखे के पड़ल मास्टर भैया विराह का शीर्षक। अरे करे जवा धरती माई के फटल, अरे करे जवा धरती माई हो, करे जवा धरती माई के फटल। ऐसन जुलुम न कैले पापी हमारे जवा, जब बहन फोन करती है छोटी बहन भैया घबरा जाती है। 20 मिनट के अंदर वो दर पे वो दृश्य पे वो जगह पे आ गईली, अपने दीदी के खोजती डॉक्टर साहिबा रहे तब न मिले। नजदीकी पुलिस थाना में पहुंचती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन बारे हमरे देश का कानून कले ही हमरे एरिया का बात नहीं हो। फिर वहां से एरिया वाइज थाना में पहुंचली, जब रिपोर्ट लिखाई छानबीन शुरू होके लगल तब तक बड़ी देर हो गई साहब। धीरे धीरे 3:30 जब बजल लाश मिलल, गौर करेंगे साहब, चारों तरफ खबर फैल गई। जब ये खबर के घर वाला सुनलें, जितना भी बहन के साथ आईल ना और लोग माई बापू नास्त रिश्तेदार जब सुनलें तो सब लोग आईल। अधजली लाश को देखे लॉकेट द्वारा जब लाश पहचानी गई, गौर करिएगा साहब यही हमारे देश का कानून है। बारे कानून इसलिए कहते हैं कि गरीबों का बहन बेटियां लूटी जाएंगी, चूड़िया फोर के चंबल की कसम खाएंगी। आज भैया जब बहनी के ये हालत में देखलक केकर करेजा ना फट जाई हो, भैया रोवत हूँ बहनी के लाश के देख के। कैसे रोवत हूँ मास्टर भैया, रो करके भाई यही कह रहे हैं क्या, अरे रोवेला बीरनवा तरोवेला बीरनवा अखिया खोल रे बही। देख करके सभी लोगों का पैर तले जमी खिसक गई साहब, और भाई जैसे पागल स्वरूप हो गया, क्या कह रहा है क्या सुन रहा है कुछ उसको पता नहीं है, कोस रहा है किसको। मीडिया से फैलल चारों समाचार, बचाओ पी हम दे को लबना तारा,
पूछ रहा है सरकार को, आए पीएम साहब आप तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देख लीजिए आपके सरकार में इस बेटी का हालत क्या हुआ है। सारे लोग समझा रहे हैं भैया जो नहीं होना चाहिए सो हो चला, लेकिन आप सबके संभाले के बाद आगे भाव में कवि जी लिखत हुए कैसे, जवाब मोदी सरकार नारी शोषण कहाँ रुका है। नारी शोषण कहाँ रुका है कलम रहा, नारी शोषण कहाँ रुका है कलम रहा, रेड्डी परिवार कॉलेज दफ्तर जहाँ देख लो। गौर करेंगे साहब जब कुंभकर्ण की नींद से प्रशासन जागल, गृह मंत्रालय जागल, आदेश दिए, कड़ी पूछताछ के लिए पुलिस तैनात हुई, और जब चारों पापी चारों आरोपी के गिरफ्तार कर ले, कड़ी पूछताछ कैल शक्ति समेत, तब जाकर के कबूल किए कि हमने ऐसा किया है। 14 दिन के लिए जेल में के अंदर डाल दिया गया, और सबकर मांग बार बार रह कि जेल नहीं फांसी चाहिए। जैसे दरिंदे सब उस बिटिया को जलाए हैं जिंदा, उन लोगों को भी जिंदा जलाना चाहिए। कहते हैं कि टीट फैट टैट जैसा को तैसा मिलना चाहिए साहब। ओ समय का भाव कवि जी लिखत हो, जो ने समय पुलिस एक कर्म के अंजाम देहलस, वाहवाही जो कुछ समय में पुलिस के मुर्दाबाद होला, लेकिन आज ऐसा कारनामा हैदराबाद के पुलिस देखौले बा, जय जयकार होत बा हर लोग के मुहे से। आगे भाव कवि जी लिखत हो कैसे मिस्टर दिया, अरे जियो जियो देश के सिपाही बीरवा, लेहला बहिनी के बदलावा चुकाई बीरवा, में चारों पापी
हैदराबाद में चारों खुशी के लहरिया, अब पुलिस से कैसे बचिए पापिया त्याचरिया। अरे बदली बहिनी राखी कलाई बिरना, लेहला बहिनी के बदलवा चुकाई बिरना। मैं अपनी ओर से सलूट करती हूँ हैदराबाद पुलिस प्रशासन को, जो आप लोगों ने सबके कहने के मुताबिक यह काम को अंजाम दिए हैं। कवि जी भाव लिखत हूँ आगे आखिरी भाव में। तेलंगाना की जनता को मिला है इंसाफ, स्वर्ग से बिहारी पत्तू मामला है साफ। बाट जनता खुशी में मिठाई बिरना, अरे बाट जनता खुशी में मिठाई बिरना, लहला बहिनी के बदलावा चुकाई बिरना। कहते हैं कि पुलिस प्रशासन देर आई लेकिन दुरुस्त आई। इसी तरह से अगर न्याय होता रहेगा साहब तो इस भारत को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आखिरी भाव में कवि जी लिखते हैं, अरे गुरु बिहारी गुरपत्तो जी अंबर से नीर बहावे, स्वर्ग लोक के बासी सरजू श्रद्धा सुमन चढ़ावे हो। अरे करे जवा धरती माई के फटल, सब लोग सरकार से जवाब मांगत हो, सरकार हाथों हाथ जवाब दे धलब। चारों पापियन का पुलिस प्रशासन से मुठभेड़ करके काउंटर कर दिए गए, जैसे पापी अत्याचार कैले उसी तरह से समाप्त तो हो गई। आखिरी भाव में कहना है, अरे करे जवा धरती माई के फटल, कई अनुपम कवि देहाती पपियन से परहे जवा, करे जवा धरती माई के फटल।